ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है अंश, मां आदि को जान से मारने वाली थी। क्या मैं मुन्ने को मैं जान से? पिया, बेटा बोलने से पहले तुम सोच तो लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो और किसके लिए बोल रही हो। पापा, शायद आपने देखा नहीं होगा लेकिन माँ आदि के गले के पास चाकू पकड़ के खड़ी थी। यार जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो प्लास्टिक नाइफ होगा जिससे केक काटते हैं। नहीं चाचा, वो प्लास्टिक का नहीं, वो असली चाकू था, यही नीचे गिर गया होगा, आप लोग देखे ना। देखो पिया, प्लास्टिक का ही तो है, देखो। हाँ, प्लास्टिक का ही तो है। हाँ, ये तो प्लास्टिक का है लेकिन जो माँ के हाथ में था वो असली था। बेटा ये वही चाकू है। नहीं पापा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा था, वो असली चाकू था। अच्छा देखा होगा लेकिन ये भी तो हो सकता ना कि तुम्हें धोखा हुआ हो, दूर से तुम्हें स्टील का लग रहा होगा, पास से देखो प्लास्टिक का ही है ना, देखो। नहीं गुड़िया, बाबा आपको पता है ना। ये शांत हो जाओ गुड़िया, चैताली जी ठीक ही तो कह रही हैं। मिर्ची जी भी आदि को उतना ही प्यार करती हैं जितना तुम करती हो। यही बाबा, माँ के हाथ में असली चाकू था। स्टॉप इट, सब लोग देख रहे हैं। देख रहे हैं मतलब? अभी मैं आदि की चिंता करूँ या लोगों की? टेरेस पर डिनर लग चुका है, आप लोग प्लीज टेरेस पर चलिए, शुरू कीजिए। और इस सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करना चाहिए, सबके सामने वेट्री जी पर इस तरह से इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। मैं इल्जाम कहाँ लगा रही हूँ पापा, मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है, जो मैंने देखा है। अगर आदि को कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे हो जाता बेटा, तुम्हें क्या लगता है वेट्री को आदित्य की फिक्र नहीं है? कलेजे से लगा के रखती है और तुम कह रही हो कि कुछ हो जाता तो? रहने दीजिए शेखर जी, प्रिया इस वक्त कोई बात नहीं समझेगी लेकिन मैं समझती हूँ, मुझे पता है पिया ऐसा क्यों कर रही। दरअसल मोहना की धमकी की वजह से बहुत परेशान है, इसे भी पता नहीं है इस वक्त क्या बोल रही है। मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ और मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा था। या तुम कहना क्या चाहती हो, कि माँ आदि को मारना चाहती है? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ अपने काबू में नहीं है, ये जो भी कर रही है इनसे कोई करवा रहा है। करवाया जा रहा है मतलब? मतलब ये कि माँ अब भी मोहना के कंट्रोल में है। माँ और मोहना के बीच डायन रक्तबंधन अब तक खत्म नहीं हुआ है, पहले मुझे सिर्फ ये लगता था पर अब मुझे यकीन हो गया है कि माँ जो भी कर रही है मोहना इनसे करवा रही है। ऐसा नहीं हो सकता है प्रिया बेटा, हम सब ने अपनी आंखों से देखा था उस रक्तसार पौधे को नष्ट होते हुए, हमारे सामने वो पौधा जलकर खाक हो गया था। हाँ, और फिर निशान जी ने ये भी कहा था कि पौधा मर गया मतलब बंधन टूट गया। हाँ, ऐसा हमें लगा था लेकिन बाद में मैंने देखा वो पौधा फिर से लाल हो गया था। रुकिए, मैं अभी वो पौधा लेकर आती हूँ। मैंने यही तो रखा था, कहाँ जा सकता है।
ने यही तो रखा था, ये रहा पौधा। छुटकी छुटकी, जल्दी से पौधे पे नमक डालो, उससे पौधा मर जाएगा। देखा, ये पौधा मुरझाया हुआ है, मर चुका है बेटा ही। और यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम काफी देर से, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। ये कैसे हो सकता है, जब मैंने देखा था तो ये पूरा का पूरा लाल था। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो ठीक है हम एक टेस्ट करते हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि माँ और मोहना के बीच डायन रक्त बंधन अब भी टूटा नहीं है। टेस्ट? पिया अभी पार्टी बीच में छोड़ के हम टेस्ट करने बैठ जाएंगे? कोई जरूरत नहीं है इस टेस्ट की। जरूरत है। अगर पिया ने कहा है तो हम ये टेस्ट जरूर करेंगे। लेकिन बेटा, आज आदित्य का जन्मदिन है, हम उसके जन्मदिन को मनाते हैं बेटा अच्छे तरीके से। ये बेकार के उलझनों में पड़ने का क्या मतलब? पापा, मैं भी आदि का बर्थडे मनाना चाहता हूँ, लेकिन खुशी खुशी, शक और डर के माहौल में नहीं। पापा, पिया ने आज तक जो भी किया है इस परिवार के लिए किया है। पिया एक दैविक है, इस परिवार की ढाल है, और अगर वो ऐसा कह रही है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। अगर ये पिया की गलतफहमी है तो ये टेस्ट से वो गलतफहमी भी दूर हो जाएगी, इसलिए हम ये टेस्ट जरूर करेंगे। निशान जी, आखिर ये टेस्ट है क्या और इसमें करना क्या होगा? जब दो लोग डायन रक्त बंधन में बंधे होते हैं तो उनके बीच में ऐसा कनेक्शन होता है जिसका असर दो तरफा होता है, मतलब जो एक के साथ होता है उसका असर दूसरे पर तो होता ही है। और गुड़िया का मानना है कि इसी कनेक्शन का फायदा उठाकर मोहना वेदश्री जी को कंट्रोल कर रही है। लेकिन निशान जी, जो बात आप बता रहे हैं ये तो हमें पहले से पता है। हाँ निशान जी, आप हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए ना, और उसके लिए कौन से औजार लगेंगे वो बताइए। चिताली, एक्सपेरिमेंट नहीं, टेस्ट। हाँ हाँ, वही वही टेस्ट। निशान जी, ये जो आप टेस्ट लेने वाले हैं, ये रिटन होने वाला है कि ओरल? और अगर ओरल होने वाला है तो सवालों के जवाब खुद देने होंगे कि आप चार ऑप्शन देंगे? ये क्या पूछ रही हो तुम? क्या पूछ रही हो मतलब, टेस्ट लेने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछना तो पड़ेगा ना, बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? हम माँ के साथ कुछ ऐसा करेंगे जो डायन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और मुझे पूरा यकीन है वो इस टेस्ट को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। वो माँ को मजबूर करेगी कि वो ये टेस्ट ना करे, और ऐसे हमें पता चल जाएगा कि मोहना माँ को कंट्रोल कर रही है। लेकिन करना क्या है? डायन को उसकी चोटी बहुत प्यारी होती है, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां उस चोटी में बसी होती है। अगर हम माँ के बाल काटेंगे तो मोहना ऐसा कभी नहीं होने देगी, और इससे साबित हो जाएगा कि दोनों के बीच डायन रक्त बंधन अब भी कायम है। जो मैंने बोला है वो बोलो छुटकी। नहीं शेखर जी, पिया की तसल्ली के लिए ये परीक्षा भी देने के लिए तैयार हूं। के लिए यही सही होगा, वरना रक्त बंधन के बारे में पता नहीं चल पाएगा।
मैं मां के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। कैसे समझाऊं अंश को, मां अब भी मोहना के झांसे में है। आज सातवां दिन है, दैविक के घर से बाहर जाने का दिन। मेरे अगले वार के लिए तैयार हो जाओ पिया। जल्दी करो आज, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मोहना पन्ना को लेकर ज्यादा दूर नहीं गई होगी। लेकिन हम जाएंगे किस तरह? वो दोनों गए थे। क्या हुआ पापा, रुक क्यों गए? भागने ना पाए, जल्दी पकड़ो उसे। देखांश, फंदा चमकने लगा है। मतलब पिया सही कह रहे थे, मोहना और मां के बीच में अभी भी रक्तबंधन कायम है। हांश, और जैसे ही ये मोहना का पूरी तरह से जकड़ लेगा, मोहना और वेदश्री जी के बीच में जो डायन रक्तबंधन बंधा हुआ है वो भी टूट जाएगा। मैं नहीं जानता आपके इरादे क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो अब कामयाब नहीं होगे, क्योंकि अब आप मां को अपनी कठपुतली नहीं बना पाएंगे। तुम लोगों ने मुझे नहीं पकड़ा, बल्कि मैंने जानबूझ के खुद को पकड़वाया है, क्योंकि ये भी मेरे खेल का एक हिस्सा है, ताकि तुम दोनों यहाँ उलझे रहोगे और वहाँ घर में जो होने वाला है उसे रोकने वाला कोई ना हो। हेलो अंश, कुछ पता चला? तुम सही कह रही थी प्रिया, मां और मोहना के बीच में रक्तबंधन अभी भी कायम है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे अंश? तुम चिंता मत करो प्रिया, पापा ने रक्तबंधन तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है और बहुत जल्द रक्तबंधन टूट भी जाएगा। तुम तब तक मां का ध्यान रखना। दीदी! तुम फिक्र मत करो अंश। पिया, पिया क्या हुआ? जय हो मैया, हो मैया। सुनीता, ये आग कैसे लगी? पता नहीं दीदी, यहाँ थोड़ा पानी गिरा और पानी ने आग पकड़ ली। पानी ने आग पकड़ ली? ये पाउडर? ये तो वही पाउडर है जो मैंने पहले भी देखा था। इसने पानी से आग पकड़ ली। इसका मतलब ये तरल अग्नि भस्म है, लेकिन ये पाउडर तो मैंने घर में कई जगह देखा है। मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ, इसका मतलब माँ पूरे घर में ये भस्म बिछा रही है। हे भगवान, ये तरल अग्नि भस्म तो पूरे घर में बिखरा हुआ है। सबसे पहले मुझे माँ को ढूंढना होगा।
जला लगनी भस्म। अगर माँ ने तरल अग्नि भस्म में पानी डाल दिया तो पूरे घर में आग लग जाएगी। अब बेचारी तैविक छुटकी को रोकने की कोशिश करेगी। जी माँ को रोकना होगा। मैं जानती थी तुम यही करोगी पिया, लेकिन तुम ये नहीं जानती अब मैं क्या करने वाली हूँ। भाई तो पुतला है। अन्ना अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गई? मैंने तुम्हें आजाद करवाया है, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। माँ कैसे है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए उन्हें सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, सो फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते का क्या बताएं मैं? कहा? अरे आपका काम है, आप डॉक्टर हैं, वो भाभी है मेरी। नहीं चेतली, भाभी को कुछ नहीं हुआ है ना डॉक्टर साहब? अभी हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होती है विल लेट यू नो। भैया 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 ठीक है भैया, भैया आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, भाभी ठीक हो जाएंगी भैया। आज तुम्हारी वजह से बेटा माँ की यह हालत है। क्यों किया तुमने ऐसा? इसने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, तुम्हारे लिए इसने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, यहां तक कि डायन के साथ रक्त बंधन में बंध गई है।
इसके प्यार का, इसकी कुर्बानी का तुमने यह सिला दिया। पक्का? मैं जो कहूंगी तुम वो करोगी? हाँ, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी। तो ठीक है, एक दैविक होके एक डायन के सामने अगर इतना गिरगिरा सकती हो तो मैं छुटकी को छोड़ देती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें अंश का घर और उसके जिंदगी से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, और वो भी अंश का दिल तोड़ के। तोड़ के तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं छुटकी की जान ले सकती हूं। मंजूर है, मंजूर है। मुझे पता था छुटकी की प्यारी बहू छुटकी को मरते हुए नहीं देख सकती। भैया आप मेडिसिन ले आए? जी। अकेला छोड़कर यहां क्यों आ गई? बहुत थक गई थी इसलिए कॉफी लेने आई थी, और वैसे भी 2 मिनट माँ के पास नहीं बैठी तो कौन सी आफत आ गई? ऐसे क्यों बोल रहे हो अंश? अब माँ अकेली नहीं है, जाओ उनके पास बैठो, मुझे कॉफी पीने दो। बेवकूफी नहीं करती तो आज इसकी नौबत ही नहीं आती, बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है मैं यहाँ बस आपकी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आऊँ। भैया ये क्या तरीका है? सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, इस घर में इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत और हक किसी का नहीं है। भैया ये पिया को क्या हो गया अंश? इस तरह बदतमीजी से तो कभी बात नहीं करती वो। अंश बेटा, पिया तुझसे नाराज है क्या? कुछ हुआ है? तुम लोग का कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? और अगर हुआ भी है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपने संस्कार भूल जाए? मुझे भी लगता है कि बात तो जरूर कुछ है, कि कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पिया का वर्ताव बहुत बहुत अलग है, कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है वो। भैया पहले का तो समझ में आता है, अभी मोना के कंट्रोल में थी और ये बात पिया को पता थी, लेकिन अब भाभी के साथ पिया
ऐसा क्यों कर रही है? इसकी भी एक वजह है। हम सबने ये तो देखा कि पिया क्या कर रही, लेकिन हमें से किसी ने नहीं सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हमें अपने परिवार को, अपने अंश को बुरी नजर से बचाने के लिए दैविक की जरूरत थी, तो हम पिया को बहू बनाकर इस घर में लेकर आए। उस दिन से लेकर आज तक पिया ने हमको हर खतरे से बचाकर रखा। बिना किसी शिकायत के, बिना कभी जताए, हम सब मुश्किलों में इस तरह उलझ गए कि हम ये भूल ही गए कि पिया भी एक इंसान है, उसके भी अपने सपने होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ जरूरतें होंगी। लेकिन जब से वो इस घर में बहू बनकर आई है, कभी दायन, कभी चुड़ैल, कभी चलायन, कभी भैंसासुर, इन्हीं सब में उलझ के रह गई। और तो और, अब उसे हमारे साथ साथ मुन्ने को भी रोज किसी खतरे से बचाकर रखना पड़ता है। क्या उसे कभी गुस्सा नहीं आ सकता? कभी किसी बात का बुरा नहीं लग सकता? अगर हम सबको गुस्सा करने का हक है, तो क्या पिया को नहीं? आखिर वो भी तो एक इंसान है। अभी ठीक कह रही है, हम लोग पिया से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। हाँ चेताली, तुम ठीक कह रही हो। पिया को भी हक है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। आज तक पिया हमारे पूरे परिवार के लिए हमेशा ढाल बन के खड़ी रही, लेकिन आज हमें उसे ये एहसास दिलाना है कि हम सब भी उसके साथ हैं, उसे समझते हैं, वो अकेली नहीं है। हाँ बेटा, तू जहार और जाके पिया को संभाल। कुछ पता चला पापा? मैं कोशिश कर रहा हूँ गुड़िया। अब तक इतना ही पता चल पाया है कि डायन किसी इंसान की एनर्जी को उसके शरीर से बाहर निकाल कर कहीं छुपा सकती है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि वो उसे छुपा कर रखती कहाँ है। वैसे गुड़िया, तुमने अंश से बात की, मुझे लगता है हमें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं बाबा, हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। अगर मोहना को पता चल गया तो माँ की जान चली जाएगी। जब तक हमें माँ की आत्मा को मोहना के हाथों से निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता, मुझे मोहना के इशारों पे चलना होगा। और अपने और अंश के बीच इतनी दूरियां लानी होंगी कि हमारा रिश्ता टूट जाए। कुछ नहीं होगा गुड़िया, ओके? हम रीवा वंशी हैं। रीवा वंशी कभी हार नहीं मानते। जी पापा। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा, तब तक तुम खुद को संभालो। मैंने जो कहा उस बात से नाराज होकर लड़ने आया हूं, ठीक है, आज मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। बोलो क्या बोलना है। सॉरी सॉरी, मुझे एहसास हुआ कि आज तक तुमने जो भी किया है, या तो मेरे लिए किया है या मेरे परिवार के लिए। और आज जब पहली बार तुमने अपने लिए कुछ मांगा, तो मुझे नाराज होने का कोई हक नहीं है, सिर्फ मनाने का हक है। अगर तुम मुझसे या माँ से नाराज हो, तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। एक परिवार हर वजह
मिशन समझता है। ये माँ की दवाइयाँ है और मैं जानता हूं अगर ये दवाई तुम माँ को दोगी तो माँ भी खुश होगी और तुम भी। मैंने तुम्हें ये करने को तो नहीं कहा था बहू रानी। मोहना, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। तो कैसा है पिया? अब तक तो अंश को तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी यही हो और अंश भी तुमसे प्यार से बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? मुझसे डरना बंद कर दिया या चुटकी से प्यार करना बंद कर दिया? मैं डर के आगे नहीं झुकी मोहना, प्यार के आगे झुकी हूँ। माँ की जिंदगी के लिए मैं अंश की नफरत झेलने को तैयार हूँ। मैंने पूरी कोशिश की थी मोहना, लेकिन पता नहीं अंश ने वो सब बातें क्यों की। मैं बस इतना जानती हूँ तुम अब भी इस घर में हो और तुम्हें सबक सिखाने का बस एक ही रास्ता है। जानती हो ना ये क्या है? इसमें छुटकी की जान है। बस थोड़ी सी उसके अंदर छोड़ दी है ताकि सांसें चलती रहे, बाकी सारी की सारी इस प्राण प्याले में है। अगर ये टूटा तो छुटकी की सांसें भी टूट जाएंगी। पेनिश्री, रुक जाओ मोहना, क्या कर रही हो? रुक जाओ, ऐसा मत करो। पेनिश्री क्या हो रहा है? पेनिश्री, अविनाश, चैताली, देखो पेनिश्री को क्या हो रहा है? माँ, अंश, अंश बेटा, चैताली माँ, देखो, भाभी, क्या? भाभी क्या हुआ? ये प्राण प्याला टूटते ही छुटकी के सांसों की डोर भी टूट जाएगी। नहीं, नहीं। बस इतनी सी जान बची है उसके अंदर, वो भी खत्म हो जाएगी। मोना, भगवान के लिए रुक जाओ प्लीज। ये क्या कर रही हो? कुछ कुछ नहीं होगा। भाभी की दवाई क्या है? दवाई की दवाई दवाई कुछ नहीं होगा। जब डायन सास हो तो भगवान का नाम नहीं लिया करते। ऐसा मत करो मोहना, क्या कर रही है? छोड़ दो मोहना प्लीज। माँ की दवाई तो पिया के पास है। पिया, माँ की दवाई लाओ। पिया, माँ, माँ, दवाई से जान तो बच जाती है पर बचने के लिए शरीर में जान होनी भी तो चाहिए। जान तो इस प्राण प्याले में है। छोड़ दो, माँ की जान बख्श दो। तुम जो बोलोगी मैं करूंगी प्लीज।
प्लीज। भाभी दवाई लेकर क्यों नहीं आ रही? मेरी भाभी को किसकी नजर लग गई? भाभी ले जी जा। लोग कहते हैं दुनिया सिर्फ 4 दिन की है। लोग तो सिर्फ कहते हैं, लेकिन छुटकी की दुनिया वाकई 4 दिन की है। उसके पास जितनी जिंदगी बची है वो 4 दिन से ज्यादा नहीं जिएगी। अब छुटकी को अगर बचाना है तो 4 दिन के अंदर अंदर तुम्हें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। इस 4 दिन में या तो तुम यहाँ इस घर से निकलोगी या तो छुटकी अपनी जान से जाएगी। आगे तुम्हारी मर्जी और फैसला भी तुम्हारा। मैं वादा करती हूँ 4 दिनों में अंश को मजबूर कर दूंगी कि वो मुझे इस घर से निकाल दे। चलो ये भी देख लेते हैं। पिया, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने पूछा तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? माँ की दवाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मतलब? मतलब ये कि मैं आदि के लिए नया पालना ऑर्डर कर रही थी। अब वो कौन से कलर का आएगा, अब कितना बड़ा आएगा, ये सब देखने में मैं इतनी उलझ गई कि मुझे याद नहीं है कि मैंने दवाइयाँ कहाँ रखी है। और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? दवाई है ठीक है, दूसरी आ जाएंगी। पर माँ दूसरी नहीं आएगी पिया। डॉक्टर ने कहा था कि माँ को दवाई टाइम पर देनी है, लेकिन तुम्हारी वजह से माँ की जान खतरे में पड़ गई। वो ठीक हो रही थी लेकिन एक डोज मिस होने की वजह से फिर से कमजोर होने लगी। रहने दो पिया, मैं अपनी माँ का क्या।